हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर या ब्लॉग पर या कोई भी वेबसाइट हो, न्यूज वाली हो, टेक वाली हो, एजुकेशन वाली हो, उन सभी वेबसाइट पर इमेज कहां से यूज करें, वो भी फ्री इमेज जिन पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आए। दोस्तों सबसे बड़ा फंडा बताने वाला हूं कॉपीराइट इमेज का इस वीडियो में। सबसे बड़ी जानकारी, फ्री इमेज कैसे लें। दोस्तों जैसे कि आप किसी बड़े सेलिब्रिटीज की फोटोज लेना चाहते हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी फोटोज यूज करने से पहले आप लोगों को उस फोटोज के नीचे क्रेडिट जरूर देना है। हाँ दोस्तों, जहां से आपने कोई किसी बड़े नेता हो, पॉलिटिक्स वाले का या कोई भी हो दोस्तों, उस इमेज का क्रेडिट जरूर देना है नीचे। इस प्रकार से आपकी इमेज पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। दोस्तों ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है जिसे बड़े बड़े न्यूज वाले यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर दोस्तों ऐसे कॉपीराइट आने लगा तो बड़े न्यूज वाले नहीं करते यूज, लेकिन वे यूज करते हैं, लेकिन वे यूज तो करते हैं नीचे क्रेडिट भी देते हैं। उसी प्रकार से आप भी क्रेडिट दे सकते हैं तो आपकी वेबसाइट पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। फ्री इमेज के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स ट्रिक्स लाता रहता हूं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि गूगल से फ्री इमेज कैसे लें। दोस्तों गूगल से फ्री इमेज लेना इतना सिंपल है कि जितना ये माउस उठाना। हाँ दोस्तों, गूगल से कैसे फ्री इमेज लें तो चलो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। वहां पर बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पर जाते हैं। अब जैसे कि हम यहां इमेज वाले ऑप्शन पर आ गए, जैसे कि मैंने सर्च किया यहां पर ताजमहल, ताजमहल सर्च किया। अब ये ताजमहल तो किया, लेकिन बहुत सारे फोटोज है ताजमहल के, और भी यहां पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप, किसी भी एक्टर का नाम सर्च कर सकते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब यहां पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहां पर ताजमहल सर्च किया, अब ताजमहल, लेकिन ये तो सब कॉपीराइट है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा टूल, टूल दिखाई दे रहा होगा, इस टूल पर क्लिक करना है। अब टूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ यूजर राइट, यूजेज राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अब यहाँ पर जो भी इमेज आपको मिलेंगी दोस्तों, इन सब इमेज को आप यूज कर सकते हैं। हो सके तो थोड़ा सा क्रेडिट भी दे देना, नाम लिख देना, जहां से आप लें उसका नाम लिख देना और इसे आप यूज कर सकते हैं इन फोटोज को। ओके दोस्तों, गूगल से जब भी आप फ्री इमेज लें, वो एक बात का, सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि गूगल वाली इमेज पर क्रेडिट जरूर देना है। जिस वेबसाइट से या जहां से भी आप फ्री इमेज ले रहे हैं, गूगल से, गूगल की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो वहां का क्रेडिट जरूर देना है, तो इस प्रकार से आप पर कॉपीराइट नहीं आएगा। अगला सबसे बड़ा फॉर्मूला फ्री इमेज वेबसाइट। हाँ दोस्तों, अनस्प्लेस वेबसाइट है जहां से आप किसी भी प्रकार की कोई भी इमेज फ्री में ले सकते हैं और यहां पर आपको क्रेडिट देना हो तो भी अच्छा है, नहीं दे तो भी अच्छा है। अनस्प्लेस वेबसाइट पर, अब देखिए अनस्प्लेस वेबसाइट पर मैंने सर्च की यहाँ पर टेक, टेक TECH। अब टेक के कई वेबसाइट पर कुछ भी बनाते हैं, तो देखिए टेक वाले आप देख सकते हैं कंप्यूटर कितना है, गेमिंग वगैरह कुछ भी आप गेम का सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर सर्च किया गेम, GAME गेम, तो देखिए गेम के कितने मतलब कितनी फोटो जा जाएंगे गेम के, देखिए गेम के बारे में कितनी अच्छे बहुत फुल HD फोटो जा गए। अगर आप इस अनस्प्लेस वेबसाइट से फ्री इमेज ले रहे हैं तो यहाँ पर आपकी मर्जी, क्रेडिट दो या मत दो, ये वेबसाइट नहीं कहती कि भाई मुझे क्रेडिट दो। तो यहां से आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं, कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा, नो टेंशन, जीवन भर चलेगा। दोस्तों आज से कई साल पहले भी
इसी वेबसाइट का यूज करते थे और आज भी वे लोग इसी वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, आज तक उनकी वेबसाइट पर कॉपीराइट नहीं आया। तो दोस्तों ये अनस्प्लेस वेबसाइट दोस्तों भरोसेमंद वेबसाइट है। अगली फ्री इमेज वेबसाइट पिक्साबे। हाँ दोस्तों, पिक्साबे ऐसी वेबसाइट है जहां से आप क्रेडिट देकर भी इमेज ले सकते हैं, रुपए देकर भी किसी इमेज को खरीद सकते हैं, वीडियो खरीद सकते हैं और अपनी वीडियोज में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, पिक्साबे से भी आप बहुत प्रकार की इमेज डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में या अपने यूट्यूब चैनल में यूज कर सकते हैं। नो टेंशन दोस्तों, कभी कॉपीराइट नहीं आएगा, इस बात को तो भूल जाना। अब देखिए पिक्साबे, पिक्साबे में मैंने सर्च किया, पिक्साबे में सर्च किया, देखिए एनिमल। अब आप देख सकते हैं एनिमल के कितने, मतलब क्या फोटोज हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या तस्वीरें हैं। मतलब कि अब यहां से सिंपल है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि मुझे ये डाउनलोड करना है, ये देखिए कितना कितना फुल एचडी फोटोज है। अब इसे मुझे डाउनलोड करना है, यहाँ देखिए फ्री डाउनलोड, कितना सिंपल है, फ्री डाउनलोड पर हो, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। कुछ भी टेंशन नहीं है, यहां से कोई भी कॉपीराइट नहीं आता। देखिए इट्स फ्री, आई एम नॉट ए रोबोट। ओके दोस्तों, यहां पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना। यहां पर आप बता सकते हैं कि भाई मतलब ब्रिज बताना है, जैसे कि ए ब्रिज है और वेरीफाई। ओके दोस्तों, अब ए ब्रिज बता दिया और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ये देखिए फोटोज डाउनलोड हो गया। ओके दोस्तों, आपकी मर्जी, यहाँ पर डोनेट दे सकते हैं, यानी कि फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर जो जिसके जिसका ये फोटोज रहता है। अगली भरोसेमंद वेबसाइट पिक्सल्स। हाँ दोस्तों, पिक्सल्स, इस वेबसाइट से आप फ्री इमेज ले सकते हैं। पिक्सल्स देखिए, पिक्सल्स, पिक्सल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोज। पिक्सल्स में देखिए यहाँ पर जैसे कि ब्यूटी टिप्स वगैरह होती हैं, हेल्थ टिप्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर देखिए हेल्थ से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड तो आप यहाँ से फोटोज ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही, जैसे कि हम यहाँ पर सर्च करें हेल्थ, HELTH हेल्थ टिप्स। ओके, ये वेबसाइट जो फॉर्मूले ये सब मैंने जो आप लोगों को बताए, यह तरीके से आप अपनी वेबसाइट में या कहीं पर भी फोटोज कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। नो टेंशन, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब भी आप लोगों ने लापरवाही की समझ लेना उसी वक्त प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे द्वारा कही गई ये सारी बातें, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स ट्रिक्स लाता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दाब देना, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट न्यूज टिप्स ट्रिक्स लाता रहता हूं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना। फिर भी आपके मन में कोई प्रॉब्लम हो, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए, कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ता हूं। चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा।